हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो बाइट की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 उबले आलू। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेटर का यूज़ करके भी इन्हें ग्रेट कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हमें इसमें 1 चम्मच तेल ऐड करना है। उसे भी आप इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो बना लीजिए। डो हमारे हाथों पे चिपके ना, इसके लिए 1 चम्मच तेल हमने हाथों पे लगा लेना है। फिर हमें डो को लेना है और उसे अच्छे से इसे स्प्रेड करना है। अब हमें इस तरह से इसके छोटे छोटे बाइट्स बनाते जाना है। सारे बाइट्स को यहाँ मैंने अलग से रख दिया है निकाल के। अब हमें एक फोर्क लेना है और उसको अच्छे से इसके ऊपर प्रेस कर देना है। पोटैटो बाइट्स रेडी है। अब बारी है इन्हें डीप फ्राई करने की। तेल मैंने पहले से हीट करके रखा है। अब हम बस 1 by 1 इसको डालते जाएंगे ऑयल में। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पोटैटो बाइट्स फ्राई हो चुके हैं। अब बारी इन्हें प्लेट में निकालने की। इसे प्लेट में निकाल दीजिए। हमें इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालना है। इसके ऊपर थोड़े से ओरिगैनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड करनी है। तो हमारे चीज़ी पोटैटो बाइट बनके तैयार है।